हम विलेयता की चर्चा करते हैं। विलेयता किसे कहते हैं? विलेयता यानी कि कोई विलेय विलायक में कितना घुला हुआ है। तो विलेयता का अर्थ है किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है। निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में जो मात्रा घुल जाए उसे क्या कहते हैं? पदार्थ की विलेयता कहते हैं। अब हमें यहाँ पे मुख्यतः देखना है द्रव में गैस की विलेयता। बहुत सारी गैसें जो है द्रव में घुलनशील होती है। जैसे आपको मालूम होगा कि मछली जो है पानी में सांस लेती है, ऑक्सीजन लेती है, क्योंकि ऑक्सीजन पानी में क्या है? घुला हुआ है। अब गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक अनेक कारक है, लेकिन हम इनमें तीन कारकों की चर्चा करेंगे। पहला, गैस और विलायक की प्रकृति। ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में अधिक विलेय होती है। यानी जब दोनों की प्रकृति समान होगी तो विलेयता क्या होती है? अधिक होती है। दूसरा है ताप का प्रभाव। ताप बढ़ने पर गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है? घटती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताप बढ़ने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है। आपको मालूम होगा गर्मी के दिनों में तालाबों में मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में तालाब के जल में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी होती है। ऑक्सीजन की विलेयता कम हो गई, ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाती है, इसलिए मछली क्या होती है? मर जाती है। अगला, दाब का प्रभाव। दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता